आप अगर तबला में हाथ का वजन बढ़ाना चाहते हैं और अपनी कलाई को मजबूत करना चाहते हैं तो ये रियाज आपके लिए परफेक्ट है। सभी को मेरी ओर से नमस्कार, मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अपने हाथ को और पावरफुल कैसे बनाएं, अपने हाथ में और वजन कैसे लेके आए। मेरे पास ऐसे कई कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि बजाने में बहुत तकलीफ आती है और हम ज़्यादा देर नहीं प्ले कर पाते, तो उन सभी बातों का सलूशन मैं एक ही बोल में आपको बताऊंगा। आज मैं जो बोल आपको सिखाने वाला हूं वो एक प्रैक्टिस वाला बोल है, उसको प्रैक्टिस के लिए आप जितना चाहें उतनी देर बजा सकते हैं, जब चाहें तब बजा सकते हैं और जितनी देर चाहें उतनी देर उसको बजा सकते हैं। और ये बोल आपकी कलाई को बहुत ही मजबूत बना देगा। और इस बोल की खासियत ये है कि इसका प्रभाव दोनों हाथों पर पड़ता है। डग्गा वाली पहली दो फिंगर्स भी तैयार होंगी और राइट हैंड में आप और ताकत महसूस करेंगे और आपकी कलाई और ज़्यादा मजबूत होगी, यानी कि आपको हर प्रकार के बोल बजाने में आसानी फील होगी। तो आइए आज का बोल देखते हैं। इस प्रैक्टिस में बहुत ही आसान बोलों को लिया गया है, कोई भी मुश्किल बोल नहीं है। आप सभी ये बोल बजाना पहले से जानते होंगे। बोल है 1 घंटा कम से कम इसको बिना रुके बजाइए, तो उससे आपकी मसल्स और भी मजबूत होंगी। इसके बाद अगर आप कोई भी आसान बोल बजाते हैं, रेगुलर कुछ भी आप बजाते हैं, तो उससे आपको फील होगा कि आपका हाथ और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा भारी सुनाई पड़ रहा है। तो आइए एक बार और बोल को बजाकर देखते हैं।
अच्छी सेहत रखेंगे उतना ही अच्छा आप तबला बजा पाएंगे। खाने के बाद आप हाथ का वर्कआउट भी कीजिए। मैं नीचे कुछ लिंक्स भी डाल दूंगा जो इक्विपमेंट मैं खुद यूज करता हूँ अपने हाथ का वर्कआउट करने के लिए। अगर आपको सही लगता है तो आप भी वो इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, तो उससे आपके हाथ की एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती रहेगी। तो ये था आज का लेसन। आपको ये लेसन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।